हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमिता। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, सुबह उठते ही सोचने लगते हैं कि क्या हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाएं। तो हम तो हर तरह का पराठे वगैरह बनाते हैं, पोहा, पराठे, उपमा, इडली, डोसा। लेकिन कुछ ऐसा बनाइए जो कि हेल्दी हो और दिन अच्छा बन जाए। तो मैंने एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो वो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो वो आज का रेसिपी है हेल्दी चिवड़ा दही विथ फ्रूट्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ तो फ्रेंड्स, हेल्दी दही चूड़ा बनाने के लिए चिवड़ा मैंने लिया है, एक कटोरी चिवड़ा लिया है जिसको मैंने अच्छे से धो के क्लीन कर दिया है। और उसके लिए मैंने क्या लिया है, जो हम हेल्दी दही चिवड़ा बनाने वाले हैं तो मैंने फ्रेश ऑरेंज ऑरेंज का जूस निकाल के रखा है, ये इसमें चिवड़ा में ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, दही लेंगे, फ्रेश दही। दही जो है ना खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। और मैंने लिया है, देखिए ये पाउडर, ये गुड़ लिया है मैंने। आप चाहे तो चीनी ले सकते हैं, गुड़ मुझे पसंद है तो मैंने गुड़ लिया है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चूड़ा को एक बाउल में डाल देते हैं। मैंने एक कटोरी चूड़ा लिया तो मैं एक कटोरी दही लिया है, दही को भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, दही और चिवड़ा को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर जो हमने ऑरेंज जूस लिया है उसको भी ऐड कर देंगे। आप अगर चाहे तो ज़्यादा भी दही ऐड कर सकते हैं। देखिए अभी मैं क्या करूँगी, जो मैंने ऑरेंज जूस लिया है उसको भी, ऑरेंज जूस को भी मिक्स कर देती हूँ। हम क्या कर रहे हैं ना, हेल्दी चिवड़ा दही का जो ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो ऑरेंज जूस भी डाल देंगे। ऑरेंज जूस क्या होता है, विटामिन सी होता है, बहुत हेल्दी होता है। हम और भी हेल्दी बनाने वाले हैं। पहले हम क्या करेंगे, दही, ऑरेंज और ये जो गुड़, ये सब मिक्स कर दिए हैं। इसको थोड़ी देर सोक करके रखते हैं, भिगो के दही और जो ऑरेंज जूस में गुड़ मिक्स कर देंगे, थोड़ी देर छोड़ देंगे सॉफ्ट होने के लिए। और जो चूड़ा आप लेंगे, चूड़ा सॉफ्ट वाला चूड़ा होना चाहिए, जाड़ा पोहा जो मिलता है वो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको सोक होने देते हैं, फिर हम दूसरा प्रोसेस करेंगे, हेल्दी बनाएंगे चूड़ा। हाँ तो फ्रेंड्स, दही चूड़ा को हमने 15 मिनट ऐसे भिगो के रख दिया था, ऑरेंज जूस और हमारा जो गुड़, मैंने गुड़ लिया है, आप चीनी ले सकते हैं। अभी हम इसे और भी हेल्दी बनाएंगे क्योंकि ये ब्रेकफास्ट रेसिपी है। तो इसको हेल्दी बनाने के लिए हमने ऑरेंज जूस भी डाला है, गुड़ जो होता है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें और कुछ फ्रूट्स डालेंगे जिससे हमारा जो दही चूड़ा और भी हेल्दी हो जाएगा। तो मैंने लिया है, देखिए ये है स्ट्रॉबेरी लिया है और ये ब्लैक ग्रेप्स लिया है मैंने, और एक केला लिया है और थोड़ा सा अनार लिया है। आप चाहे तो एप्पल भी ले सकते हैं, लेकिन आपको इसमें वाटरमेलन पपीता नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, अभी धीरे धीरे जो सारे फ्रूट्स को ऐड करेंगे। देखिए मैंने इसमें अनार ऐड कर दिया है और हम क्या करेंगे, इसमें बनाना भी ऐड कर देंगे। सुबह सुबह अगर फ्रूट्स के साथ दही चूड़ा ये सब मिल जाए तो दिन बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत हेल्दी होता है ये फ्रूट्स दही चूड़ा। फ्रेंड्स, आप जरूर एक बार ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। और दही को आप हमेशा फ्रिज में रखेंगे डालने से पहले, क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा ठंडा चिल रहता है तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने सब रेडी कर दिया है, आप खाने से पहले इसको अच्छे से मिक्स करके खाइएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही एक बार जरूर आप दही चूड़ा ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।